हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेपाल वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो आज का वार्म अप मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ है नेपाल की टीम जो कि पिछला वार्म अप मुकाबला हार करा रही है, और दूसरी तरफ है दोस्तों यूएसए की टीम जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। पिछला इनका वार्म अप मुकाबला तो रद्द हो गया, लेकिन रिसेंट में बांग्लादेश और कनाडा को T20 सीरीज में हरा कर आ रही है। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 9 बजे खेला जाएगा। ग्राउंड की बात करें तो ग्रैंड पेरी स्टेडियम डलर्स में खेला जाएगा, और इस ग्राउंड की खास बात यहाँ पर यह है कि दोस्तों इस ग्राउंड पर आपको बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को मदद मिलते हुए दिखेगी। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो 20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 10 बार जीती है और चेस करने वाली टीम भी 10 मुकाबले जीती है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनका जीतने का ज्यादा चांसेस है। एवरेज स्कोर 166 का है, हाईएस्ट स्कोर 222 का है, लोएस्ट स्कोर 50 रन का है। और स्कोरिंग पैटर्न देख सकते हैं कि ज्यादातर स्कोर दोस्तों यहां पर 150 और 70 के बीच में बना है, और लो स्कोरिंग मैच भी 6 बार हुआ है, 170 और 190 के बीच में 3 बार, और 190 के ऊपर 3 बार स्कोर गया है। और जो पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया, जिसमें दोस्तों कैनेडा 63 रन से जीत कर आ रही है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस मुकाबले में नेपाल हार गई थी इसी ग्राउंड पर। और रिसेंट के 3 मुकाबले में दोस्तों फास्ट बॉलर को मिली है 35 विकेट और स्पिनर्स को 15 विकेट। मतलब साफ है कि दोस्तों फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिलती है। फर्स्ट इनिंग में 20 विकेट लिए हैं फास्ट बॉलर, सेकेंड इनिंग में 15 विकेट, और स्पिनर्स को 10 विकेट मिला है और 5 विकेट मिला है फर्स्ट और सेकेंड इनिंग में। तो यहाँ पर जो टीम पहले बैटिंग करेगी उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच केवल एक ही मुकाबला खेला गया है T20 का, जो कि दोस्तों नेपाल जीती थी, और ODI में भी दोस्तों नेपाल का पगड़ा भारी है। लेकिन इस बार USA की जो टीम है वो दोस्तों पूरी तरीके से फॉर्म में है। रिसेंट में दोस्तों USA की टीम परफॉर्मेंस देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर 4 मुकाबले रिसेंट में जीती है, और अभी T20 सीरीज इनका बांग्लादेश से हुआ था वो भी जीत कर आ रही है, और उससे पहले कनाडा से भी जीती थी। नेपाल का रिसेंट परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, 5 में से मात्र 2 ही मुकाबले जीते हैं, भले ही हेड टू हेड में थोड़ा सा रिकॉर्ड इनका अच्छा रहा है। ये तो होगी दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस जानने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी अभी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जाकर जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, फटाफट से जुड़ जाइए, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लिए 1 लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर नेपाल के सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दोस्तों वार्म अप मुकाबला है, और वार्म अप मुकाबले में दोस्तों टॉस तो होता है, लेकिन फिर दोस्तों सारे स्क्वाड्स के प्लेयर खेलते हैं, कोई भी यहाँ पर प्लेइंग 11 जैसा रूल नहीं है। तो यहाँ पर सारे प्लेयर्स खेलेंगे, तो जितने भी स्क्वाड के प्लेयर हैं सारे प्लेयर के रिसेंट परफॉर्मेंस जानेंगे, जिसके आधार पर आप लोग अपने से भी टीम बना सकें। तो टॉप ऑर्डर से बात करें तो आसिफ शेख का दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि 47 रन, 52 रन, 40 रन की पारी खेले हैं, और पिछले मुकाबले में इसी ग्राउंड पर 22 रन की पारी खेले थे। कुशल ब्रोटल की बात करें तो पिछले मुकाबले में 10 रन मात्र बनाने पाए, लेकिन रिसेंट में भी देख सकते हैं कि इनका उतना कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं है, केवल 1-2 मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुशल ब्रोटल को आप लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं। रोहित पडोल की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 1 रन बनाए थे और इनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन रिसेंट में 82 रन, 71 रन, 112 रन की भी पारी खेले हैं। तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों टीम बनाते समय रोहित पॉडल के ऊपर। फिर अनिल कुमार शाह की बात करें तो पिछले मुकाबले में लगा नहीं था इनको ऊपर भेजा जाएगा, लेकिन आते के साथ ही दोस्तों बहुत ही शानदार पारी खेले थे 24 रन की, भले ही अपने स्कोर को लंबा ना करने पाए हों। और रिसेंट में दोस्तों 45 रन और एवरेज परफॉर्मेंस इनका रहा है। फिर यहाँ पर संदीप जोरा की बात करें तो पिछले मुकाबले में ये भी फ्लॉप हुए थे, लेकिन रिसेंट में 50 रन और 56 रन की पारी खेले हैं और 22 रन, 0 विकेट। तो दोस्तों यहाँ पर संदीप जोरा की बात करें तो इनको आप लोग स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में ले सकते हैं। अब बाकी दोस्तों यहाँ पर दीपेंद्र सिंह एरी की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में दोस्तों इनको देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 विकेट मिला था और 5 रन ही बनाने पाए थे, और इनको ज़्यादा मौका नहीं मिला था, बैटिंग तो दोस्तों करने नहीं आए थे, और बॉलिंग से दोस्तों यहाँ पर इनको उतना खास मदद नहीं मिली थी। और वहीं दोस्तों यहाँ पर खुशाल माला की बात करें तो पिछले मुकाबले में 37 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 37 रन। तो दोस्तों यहाँ पर दीपेंद्र सिंह एरी की बात करें तो इस मुकाबले में हो सके पहले बैटिंग करने आ जाएं, लेकिन जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर गुलशन झा की, तो गुलशन झा का रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप हो गए थे,
वार्म अप मैचेस में और रिसेंट में भी इनका कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं है, तो इन सभी प्लेयर्स पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। टॉप के जो प्लेयर्स मैंने नाम बताया इन्हीं पर फोकस करना है, बाकी दोस्तों यहाँ पर कुशल माला, गुलशन झा, ये केवल इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पर सोमपाल कामी की बात करें तो इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, रिसेंट में देख सकते हैं कि 3 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट, और पिछले मुकाबले में भी 1 विकेट लिए हैं, तो कंटिन्यूअस विकेट ले रहे हैं, तो ये भरोसेमंद प्लेयर हैं, तो इन पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। अब केसी करन की बात करें तो इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर हैं, और रिसेंट में देख सकते हैं कि यहाँ पर शानदार 28 रन 1 विकेट, 5 रन 1 विकेट पिछले मुकाबले में बनाए थे और नॉट आउट रहे थे, तो भरोसेमंद प्लेयर है, तो केसी करन पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अविनाश भोराज की बात करें तो दोस्तों रिसेंट में देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस विकेट लिए हैं, 3 विकेट 2 विकेट, और पिछले मुकाबले में भी इनको 2 विकेट मिला, तो ये स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आप लोग को इनको आंख बंद करके ले लेना है। फिर ललित राजवंशी की बात करें तो दोस्तों रिसेंट में देख सकते हैं 2 2 विकेट लेते हुए आ रहे हैं, और पिछले मुकाबले में तो दोस्तों 1 विकेट लिए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको भी आप लोग रोटेट करके ले सकते हैं। बाकी दोस्तों नीचे से बात करें तो कमल सिंह एरी, इनको ज्यादा मौका नहीं मिला है और पिछले मुकाबले में भी कुछ खास नहीं किए थे। और यहाँ पर सागर मतलब ढाकल की बात करें तो रिसेंट में 3 3 विकेट 2 मुकाबले में लिए हैं, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं टॉस के हिसाब से। और यहाँ पर प्रैटिस जीसी की बात करें तो रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो केवल 1 मुकाबले में इनको 2 विकेट मिली है, कंटिन्यूअस विकेट नहीं ले रहे हैं, तो इन पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो ये तो होगी दोस्तों नेपाल के सारे स्क्वाड की यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर यूएसए के जितने भी स्क्वाड के मेंबर्स हैं सारे के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर, तो 15 का स्क्वाड होता है ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो टॉप ऑर्डर से बात करें तो मोनांक पटेल जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है और बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, रिसेंट में 61 रन 44 रन, फिर 50 रन 68 रन और 42 रन की पारी पिछले मुकाबले में खेले थे, तो इनको तो आपको लेकर चलना ही है। साथ में स्टीवन टेलर हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, रिसेंट में देख सकते हैं 54 रन 1 विकेट, 39 रन 1 विकेट, 28 रन 1 विकेट, 31 रन, भी बहुत ही शानदार पारी खेले हैं, तो टॉप के इन दोनों को तो आपको आंख बंद करके अपनी टीम में लेना है। फिर दोस्तों एंड्रिस गोड्स और एरन जोन्स की बात करें तो इन दोनों में से आप एक को ले सकते हैं, दोनों का दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, पिछले मुकाबले में तो 27 रन की पारी खेले थे एंड्रिस गोर, और उसके बाद एरन जोन्स की बात करें तो रिसेंट में 35 रन 34 रन 75 रन की भी पारी खेले हैं, तो दोनों में से आप लोग दोनों को ले सकते हैं टॉस के हिसाब से और एक को भी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों मिडल ऑर्डर से बात करें तो कोरी एडनसन बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, ये तो आपको पता ही होगा, और अभी फिलहाल यूएसए से खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, 55 रन 34 रन 1 विकेट, फिर पिछले मुकाबले में 18 रन की पारी खेले हैं, तो भरोसेमंद प्लेयर हैं, रिसेंट में जो T20 सीरीज हुआ है दोस्तों उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया है। फिर दोस्तों यहाँ पर नीतीश कुमार की बात करें तो ऑलराउंडर हैं और देख सकते हैं पिछले मुकाबले में तो कुछ खास इनका रहा नहीं है, लेकिन रिसेंट में 64 रन और 51 रन की एक मुकाबले में पारी खेले हैं, तो इन पर आप लोग दोनों में से दोनों को ले सकते हैं क्योंकि दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो एस वैन एस कैलवेक की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि 18 रन 2 विकेट 7 रन 2 विकेट, लेकिन इनको ज़रा टीम मौका नहीं देती है, तो इन पर भी आप लोग फोकस कर सकते हैं जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं और दोस्तों फास्ट बॉलिंग कराते हैं। अब इसके बाद दोस्तों नीचे से बात करें तो हरमीत सिंह जो कि दोस्तों एज अ ऑलराउंडर हैं, लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में ही आपको दिख रहे होंगे, तो रिसेंट में दोस्तों शानदार इन्होंने पारी खेली है, 2 विकेट लिए हैं, फिर 34 रन 4 विकेट, फिर 33 रन की भी पारी खेले हैं, तो ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं और बैटिंग भी शानदार करते हैं, तो टीम इनको ऊपर भी भेज सकती है बैटिंग करने के लिए, तो इन पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। फिर जेसी सिंह की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस रिसेंट में देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस 2 2 विकेट लिए हैं, फिर दोस्तों 3 मुकाबले में लगातार 1 विकेट, फिर दोस्तों सॉरी 4 मुकाबले में, और यहाँ पर इनको पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला था, तो दोस्तों जैसे सिंह भी इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन दोनों को आपको फोकस करना है दोस्तों, इन दोनों को स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में ले सकते हैं। फिर दोस्तों नीचे से बात करें तो सौरभ नेटरवालकर की बात करें तो दोस्तों रिसेंट में 6 विकेट और 3 मुकाबले में लगातार 3 3 2 2 विकेट लिए हैं, तो इन 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 पर भी दोस्तों आपको फोकस करना है क्योंकि ये भी बहुत ही बेहतरीन है और जरूरत पड़ने पर बैटिंग भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर यूएसए के टीम में ऐसे भी प्लेयर हैं जो कि जरूरत पड़ने पर बैटिंग भी कर लेते हैं, और इन जो तीनों मैंने यहाँ पर बॉलर्स के नाम बताया इन तीनों में से आपको दो को तो लेकर चलना ही है। यहाँ पर हरमप्रीत सिंह को आप लोग ले सकते हैं, और हरमप्रीत सिंह को आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नीचे से
यहाँ पर जय सिंह को, और यहाँ पर दोस्तों सौरभ को भी यहाँ पर ले सकते हैं। अली खान की बात करें तो अली खान का रिसेंट में परफॉर्मेंस अच्छा निकल कर आया है, लेकिन उससे पहले इनको ज्यादा विकेट नहीं मिली है, तो इन पर भी दोस्तों अगर ये खेलेंगे तो इम्पोर्टेंट रहेंगे, नहीं तो दोस्तों इनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों नीचे से बात करें तो एन केनजी जो कि स्पिन बॉलर हैं, तो स्पिन बॉलर का दोस्तों रिसेंट में देख सकते हैं 3 विकेट लिए हैं एक मुकाबले में, 2 विकेट और फिर 2 विकेट, तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तभी दोस्तों इन सभी का सिलेक्शन हुआ है। बाकी दोस्तों यहाँ पर निसार्ग पटेल की बात करें तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिखे थे पिछले 4 मुकाबले में दोस्तों, तो कंटिन्यूअस विकेट लिए हैं, लेकिन रिसेंट का जो T20 सीरीज हुआ है उनमें दोस्तों इनको ज्यादा मदद नहीं मिली है, तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर श्यान जांगिर की बात करें तो राइट हैंडेड बैट्समैन है, विकेट कीपर है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, लेकिन इनका बहुत ही कम चांस है कि दोस्तों ये खेलेंगे। और बाकी दोस्तों मिलिंद कुमार की बात करें तो जो कि ऑलराउंडर है तो इनका भी बहुत ही कम चांस है, वैसे रिसेंट में देख सकते हैं कि 41 रन फिर 27 रन 76 रन की पारी इन्होंने खेली है। ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी दोनों टीम्स की पूरी डिटेल एनालिसिस। अब इसके बाद दो डायरेक्ट टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये हमारी पहली जो टीम है ये सेफ टीम है, इस टीम के साथ आप लोग स्मॉल लीग में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे कप्तान हैं यहाँ पर कोरी एंडरसन को मैं कैप्टन कर रहा हूँ, केसी करन को वाइस कप्तान, यहाँ पर ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर डी सिंह एरी को, और यहाँ पर एस टेलर को ले रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑलराउंडर, और इनको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। बाकी बैटिंग से दोस्तों आर कुमार को मैं ले रहा हूँ, आर कुमार पौडेल को, फिर यहाँ पर के ब्रूटेल को, फिर यहाँ पर जोन्स को, फिर बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर आसिफ शेख और यहाँ पर मनोज पटेल को मैंने लिया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पर ए भोरा को मैं ले रहा हूँ और यहाँ पर हमप्रीत सिंह को मैं ले रहा हूँ, तो ये दोस्तों रहेगी मेरी यहाँ पर पहली टीम कॉम्बिनेशन जो कि पूरी तरीके से बैलेंस टीम है। दोनों टीम्स में दोस्तों ऑलराउंडर और बॉलर मिलाकर मैंने तीन तीन लिया है जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे यहाँ पर दोस्तों, सॉरी दोस्तों दो यहाँ पर दोनों दोनों टीम्स की तरफ से दो दो ऑलराउंडर लिया हूँ, बाकी टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर भी मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, और ऐसे प्लेयर को लिया हूँ जो कि रिसेंट के T20 सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, ये पूरी तरीके से हमारी सेफ टीम हो गई। अब इसके बाद दूसरी टीम की बात करें जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, और ग्रैंड लीग में सबसे पहले मैंने क्या किया है कि दोस्तों के माला को मैंने यहाँ पर कैप्टन किया है, जो कि पिछले मुकाबले में 50 से भी ज्यादा पॉइंट दिए हैं, फिर भी इनके ऊपर बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं, और वाइस कैप्टन यहाँ पर मैं एम पटेल को कर रहा हूँ जो कि कप्तान है यूएसए टीम की, फिर बाकी यहाँ पर आसिफ शेख को ले रहा हूँ, फिर आर कुमार पौडेल को और ए जोन्स को, तीन मैंने ऑलराउंडर लिया एस टेलर, केसी करन और यहाँ पर एडरसन, और बॉलिंग में दोस्तों यहाँ पर एस कामी को मैं जोड़ रहा हूँ जो कि रिसेंट परफॉर्मेंस इनका बहुत ही अच्छा है, और हमप्रीत सिंह और यहाँ पर दोस्तों ए भोराज को मैं ले रहा हूँ। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी दूसरी टीम बैलेंस टीम ही है, लेकिन इस टीम में मैंने कुछ ऐसे भी प्लेयर्स लिए हैं जो कि अच्छे फॉर्म में, उनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, जैसे के माला हो गए, फिर दोस्तों यहाँ पर बात कर ले एस कामी हो गए, तो इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं इसलिए मैंने इनको लिया हुआ है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।